तो ये वाले क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पी प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो तुम देखो, पी इज इक्वल टू ए माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स है। तो सबसे पहले पी का डायमेंशन लिखते हैं। पी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ईयर। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू आई, अब सबको याद होगा, एरिया का एल स्क्वायर। तो ये बनेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो ये तो रहा प्रेशर, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है। तो अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इसको मैं डायमेंशन के हिसाब से लिखूंगा। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है, ए माइनस टी स्क्वायर का सम हुआ है तो डिफरेंस हुआ है, तो इसका मतलब डायमेंशनली ए का डायमेंशन जितना होगा वो टी का डायमेंशन इक्वल होगा। अगर ए लेंथ होगा तो टी भी लेंथ होगा, ए टाइम होगा तो टी भी टाइम होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे ए और टी डायमेंशनली इक्वल है, तो यहाँ से मुझे ए का डायमेंशन मिल जाएगा, क्योंकि टी का डायमेंशन टाइम था, तो टी स्क्वायर। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि ए का डायमेंशन मुझे मिल चुका। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख सकता हूँ कि प्रेशर पी इज इक्वल टू ए अपान बी एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर अपन बी एक्स, ठीक है ना। तो अब हमें बी का डायमेंशन चाहिए, तो बी का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर अपन पी एक्स। तो टी का टाइम का स्क्वायर, और यहाँ से तुम देखोगे पी प्रेशर है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और एल एक्स जो है लेंथ था। तो ये वाली एल इस वाली एल को ख़त्म कर देगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा एम और टी की पावर फोर। तो ये वाली चीज़ है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। तो इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब ये पूछा है किसका डायमेंशनल फार्मूला, ए अपान बी का। तो ए अपान बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, तो ए अपना टी स्क्वायर था और बी अपना एम और टी की पावर फोर था। तो ये बनेगा एम की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम की पावर, देखो ये यहाँ से एम की पावर एक माइनस वन था, तो ये माइनस वन है, तो एम की पावर प्लस वन और टी की पावर माइनस टू। तो एम की पावर प्लस वन मतलब ए ऑप्शन अपना सही है। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।